हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ IOCL के बारे में पूरा डिटेल्स में, कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं आप सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है IOCL रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एग्जाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पर इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना, जैसे कि व्हाट इज़ IOCL, या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, डिवीजन, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आते व्हाट इज़ IOCL। IOCL क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर आते हाईलाइट्स, इसके यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है डिपार्टमेंट का नेम, कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, टाइप ऑफ जॉब पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड, लोकेशन ऑफ जॉब ऑल ओवर इंडिया, नेम ऑफ द जॉब सेवरल, वैकेंट पोस्ट, मोड ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ एग्जाम, ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। फिर आता है नोटिफिकेशन होता है, आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह डाउनलोड करना रहता है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे, और अगर आपने अपना नोटिफिकेशन PDF देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सैलरी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। एग्जाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। और फिर आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी जो है वो थ्री टाइप्स का होता है, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होती है कि अगर आप इंडिया के हैं तो या इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और आपकी जो एज है वो 18 to 24 के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 24 से ज़्यादा तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका BEd और डिप्लोमा सब कंप्लीट होना चाहिए आपको, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं, इसके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं एडमिट कार्ड एग्जाम को 10-15 डेज पहले आती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन सही आपकी तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। फिर आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आप एडमिट कार्ड के अंदर ही दिया रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया। सिलेबस यहाँ पर है, जैसे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, फिर जनरल नॉलेज है, और टेक्निकल एप्रेटाइज है, फिर जनरल एप्टीट्यूड है, फिर जनरल सॉरी टेक्निकल एप्रेटाइज है, मतलब हर एक सब्जेक्ट सिलेबस के लिए यहाँ पर दिया गया स्टेप बाय स्टेप। फिर प्रिपरेशन टिप्स किस तरह करना रहता है, उन सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन जाएंगे, जहाँ पे आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया, जैसे कि जनरल और रिजर्व के लिए यहाँ पे 70% है, ओबीसी के लिए 68%, एसटी के लिए 65, एससी के लिए 60. आपको जो कट ऑफ मार्क्स है इनसे ज़्यादा आना चाहिए. अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे. सेलेक्शन प्रोसेस, अगर आपको प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में अच्छे नंबर आप पास हो गए तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे. फिर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं, और फिर कुछ टाइम बाद आपको किसी पोस्ट पर प्रमोशन हो जाएगा. सो यहाँ पे कुछ एफएक्यू क्वेश्चंस दी गए जो आप देख सकते हैं. सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.